अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर है। तो और डीवीटी यानी कि जो टांगों के अंदर खून जम जाता है, उस वीडियो के अंदर किसी ने सवाल पूछा था कि प्रेशर स्टॉकिंग्स क्या होती हैं और क्या ही पहननी चाहिए और इसकी वजह से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रेशर स्टॉकिंग्स होती क्या हैं। देखिए, प्रेशर स्टॉकिंग्स सादा ज़ुबान में अगर आप देखेंगे तो वो मोज़ा लगता है, ठीक है। वो एक लंबा मोज़ा होता है जो कि पाँव के टिप से लेके ऊपर तक, अमूमन रान तक या फिर घुटनों तक आता है। इसमें बिलोनी एंड अबव नी होती है, या फुल थिकने फुल लेंथ या हाफ लेंथ, ठीक है। अब अगर किसी को डीबीटी हुआ है, यानी कि जिसका खून जमा है, ठीक है, तो उन मरीज़ों के अंदर क्या होता है, वो बुनियादी तौर पर जो मसला हो रहा होता है वो क्या होता है कि उनकी ब्लड वेसल्स हैं यानी जो खून की शरियाने हैं वो थोड़ी खुली खुली होती हैं, ठीक है। तो उनमें जब कोई भी चीज़ चौड़ी होती है तो वहाँ पे खून जमने के चांसेस होते हैं, ठीक है, ठीक है, वेरिकोज वेंस होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप प्रेशर स्टॉकिंग्स पहनें। इसमें स्टॉकिंग्स बहुत एक किस्म की इलास्टिसिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि ये आपके पूरे के पूरे पाँव को यूँ ग्रिप कर लेती हैं, ठीक है, मोज़े की तरह होते हैं और बहुत टाइट मोज़े होते हैं। इसके यस साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसमें अमूमन लोगों को रैशेज हो जाते हैं पहन के, ठीक है, पसीना आता है, इचिंग होती है, ख़ारिश होती है, लेकिन वो तमाम साइड इफ़ेक्ट एक इसके फ़ायदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। या एक तराजू होता है ना जिसमें आप नुकसान और फ़ायदा देखते हैं, इसके फ़ायदे समझे यहाँ पर हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा हैं, और नुकसान इसके बहुत कम है, ठीक है। इचिंग होती है मानते हैं, ठीक है, इसमें आपको क्रैम्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके मसल्स जो है क्रैम्स हो सकते हैं, पेन हो सकता है, मानते हैं, लेकिन ये आपको डीवीटी से बचा सकता है, दोबारा डीवीटी नहीं होने देगा, ठीक है। और ये इतनी बड़ी बात है कि आपकी जान बच जाएगी, ठीक है। यस, ख़ारिश वगैरह होती है तो उसके लिए बाज़ जो है वो मेडिकेशंस एडवाइस की जाती हैं और मरीज़ को कहा जाता है कि आप उठ के अमूमन वॉक करें। अगर वॉक नहीं कर सकते तो फिर मरीज़ के जो अटेंडर होते हैं उन्हें कहा जाता है कि आप जो ये प्रेशर स्टॉकिंग हैं या सादा ज़ुबान में जो मोज़े हैं वो वक्फे वक्फे से पहनाएं, मतलब कुछ देर से तक पहनाएं, फिर वक्फ़ा दें, 5-10 मिनट के लिए उतार दें, फिर दोबारा पहना दें, तो इस तरीके से, ठीक है। तो प्रेशर स्टॉकिंग्स का ये काम होता है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड दैट्स ऑल, दिस इज डॉक्टर उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।